भाई आज कौन सा नया प्रोडक्ट लाया जाए और उसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करी जाए, या फिर उसका दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। आज प्रोडक्ट खुद आएगा बलि का बकरा बनने यहाँ पे। आ जाओ भाई, किसको आना है? बड़ी जल्दी है भाई इसको। तो यहाँ पे आज हमारे पास खुद अपना टेस्ट करवाने आए हैं ये पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल बैटरी जूसर ब्लेंडर। तो भाई आप लोगों ने शायद इसको कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा और पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए होंगे, लेकिन भाई हम लोग इसका आज रियलिटी चेक करेंगे। भाई इतना छोटा ब्लेंडर क्या वाकई में किसी काम का है भी या नहीं, या सिर्फ बस ये दिखाने के ही काम में आएगा, या फिर बस एक प्रकार का खिलौना ही है। तो सबसे पहले तो इसका बॉक्स देख लो, बहुत ही बेसिक क्वालिटी का बॉक्स है, कुछ भी खास नहीं है। और यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं भाई, कई सारे फीचर्स गिना रखे इन लोगों ने। और भाई इतने सारे चीज़ों का जूस क्या उल्लू तो नहीं बना रहे? टमाटर, सेब, ऐसा चूहा जा रहा है माँ जैसे कि सब बन ही जाएगा इससे। और इसके फीचर्स आप लोग देख लो, इसका मेन फीचर है कि भाई इसका जो RPM नो लोड पे 22,000 है और लोड पे 15,000 का RPM। अच्छा भाई, 2000 mAh की बैटरी लगी हुई है, 3 घंटे में लगभग चार्ज हो जाता है और लगभग 10 से 12 times यूज हो सकता है एक बार फुल चार्ज में। तो अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसके ओहो इसके ऊपर क्या मिला है, वाह भाई एक घूस पत्र मिला है। मतलब अगर आप लोग इसे 5 star की रेटिंग देंगे तो ये 30 rupees का कैश बैक देगा। तो भाई आप लोग घूस दे देना और क्या। और ये रहा हमारा पोर्टेबल ब्लेंडर। भाई देखने में तो फर्स्ट लुक में काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है वो वाकई में सही है, मतलब प्लास्टिक वाइज तो मुझे काफ़ी सही लगा। ये सबको हटाते हैं, बाकी का मेन चीज़ है भाई परफॉर्मेंस वाइज ये कैसा रहता है। तो भाई इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है, यहाँ पे इसका बेस है, ये इसकी पावर बटन, इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। भाई इतने फीचर ना दो, जो काम दिया वही सही से हो जाए बहुत है। इसका कैप, यहाँ पे एक स्ट्रैप है और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे छन्नी भी लगी है, मतलब जो भी पीसो इसी में पीसो और छन्नी यहीं से सीधा पी लो, बहुत बढ़िया। और नीचे से ओपन करते हैं। अच्छा तो ये देखो, ये रहा इसका ब्लेड वाला पार्ट, काफ़ी सही लग रहा है यार। और ये इसका कप वाला पार्ट, तो इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलिकॉन की रबड़ भी लगी हुई है और ये गलती से भी अगर हाथ लगा तो डेफिनेटली ये भी काटने की क्षमता रखता है। ओ हो, तो चलो इसमें कुछ नहीं चार चीज़ें हम लोग बना के टेस्ट करने वाले हैं। क्या? तरबूज का जूस और लस्सी। तो तरबूज का जूस और लस्सी ये दोनों उम्मीद है इसमें आसानी से बन जाएंगे, लेकिन मुसीबत इसके ऊपर तब आएगी जब हम लोग इसमें बनाने की कोशिश करेंगे सेब का जूस और मौसम्बी का जूस। भाई फोटो तो इन लोगों ने बड़ा बना रखे कि भाई बना देगा। तो यहाँ पे हमारे सारे फल तैयार हैं, सबसे पहले तरबूज के साथ, क्योंकि पहले आसान काम ही करवाया जाए इससे। और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं और अब देखते हैं इसका कमाल। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। अबे अरे ये घूमा ही नहीं यार, ये घूमा ही नहीं। अब ना बाबा ना, बिना पानी के इसमें तो तरबूज भी ना होगा। तो भाई पहले ही मालूम चल गया कि बिना पानी मिला इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें इतना दम नहीं है। तो चलो इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा पानी, अब तो भाई इज्जत बचा लें। तो देख लो कुछ इस तरीके से ही इसमें जूस बनेंगे। तो आप देखते हैं, ओ अब जाके तरबूज निपटाए। ये देखो अभी भी यार इसमें काफ़ी सारा तरबूज बचा है, नीचे कंप्लीट नहीं पिसा है।
चलो एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो सो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि भाई 30 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो गया, एक मिनट हुआ ही नहीं। तो चलो अब देखते हैं कैसा बना है यहाँ पे हमारा तरबूज का जूस। हाँ, मैक्सिमम पीसेस निपट गए हैं और बीज सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। देखो ये केवल बीज से ठीक है, लेकिन भाई तरबूज का जूस में पानी मिलाना पड़ा ये तो बेकार है। मतलब जो जिसमें खुद पानी भरा उसमें पानी मिलाना पड़ रहा है तो ही यार मज़ा नहीं आया इसके जूस में। चलो बाकी के साथ भी चेक कर लेता हूँ। भाई मौसम्मी के जूस में मिक्सी रो रही है, आवाज़ सुनो बेचारी। देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और कितनी मौसम्मी अभी भी बची हुई है इसके अंदर, एक बार और चलाना पड़ेगा। चल जा, हाँ रो लो, तुम्हारे रो लो। तो बंद होने वाला है ये भी, पावर है लेकिन काटने की पावर नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब मौसम्मी का जूस, शायद ही जूस निकला होगा यहाँ पे, तो सीधा मौसम्मी ही निकल आई। देखो ये देखो क्या परफॉर्मेंस है भाई, पूरी मौसम्मी यूं ही पड़ी। मतलब हमें बहुत टोटे टोटे करके इसमें मौसम्मी डालना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करनी पड़े तो। पूरी देखो, ये देखो मौसम्मी ही बाहर आ गई, देख लो क्या जूस बना है इस मशीन से मौसम्मी का। भाई इसके परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं सेब के छोटे छोटे टुकड़े करूँ, इसमें डालूँ, फिर सेब का जूस बनाऊँ, वो भी पानी मिला के। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं सेब का जूस नहीं इसमें बनाऊँगा। अब लस्सी एक बार ट्राई कर लेता हूँ बस, फाइनली लस्सी। और लस्सी में भाई मशीन ना फंसी, ठीक है। आधा ही, एक मिनट, ओ झटके मार मार के, वाह 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 भाई लस्सी में तो परफॉर्मेंस इसका सही है। बंद हो जाए यार, अब तो बन गई है लस्सी। 3, 2, 1 मिक्सी बंद, जादू। और हम लोग चाहें तो सिंपली ऐसे पी सकते हैं, मस्त है। बस गलती है मैंने कही कि मैंने ठीक से धोया नहीं, देखो हल्का सा तरबूज वगैरह लगा हुआ है। तो अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लग गया हो कि भाई इस छोटे से मिक्सर एंड ग्राइंडर में कितना दम है। सिर्फ उतना ही दम है कि किसी चीज़ को घोल दे। लस्सी एक प्रकार से घोलना ही हुआ, तरबूज भी एक प्रकार से घोलना ही हुआ था। तो कुछ ऐसी है हमारी एक छोटी सी पोर्टेबल मिक्सर ग्राइंडर, जिसका काम है केवल चम्मच तरीके से मिला देना, बस थोड़ा तेज़ी से। यही है इसका असली सच मेरी नज़र में। बाकी का आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, मैं आपको इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। अमेजॉन में करीब 500 रुपये की मिलती है, क्या पता किसी के कोई काम में आ जाए, क्या पता किसी को सिर्फ घोलना ही हो। तो देखा जाए एक यूज़फुल प्रोडक्ट भी है, लेकिन किसी के लिए ही। हाँ तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। ठाठा बाय बाय। अच्छा अभी आप लोग नहीं गए तो मैं आपको दिखाता हूँ जितने लोग बचे हैं इसका एकदम असली पावर टेस्ट किसके साथ। देखो भाई मज़ा आएगा इसका असली पावर टेस्ट सिंपली केवल पानी के साथ। अब तो भाई इसकी पावर दिख जाएगी ना। और ये ओ हो ओ, भाई इसका बॉइंडर देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ये बस यही है इसका पावर। टाटा बाय बाय असली वाला।